आज पहली बार इस घर में मेरे बच्चों के दरमियान नाराजगी हुई है और वो सब इस कलमुही की वजह से है। मम्मी, वैसे आपको किस पर शक है? ये कंगन किसने चोरी किया होगा? मुझे पक्का यकीन है कंगन चोरी वोरी नहीं हुए, इसने खुद ही छुपा लिए हैं। मम्मी, वो भाभी बस जमीन आ गई है, अब और कितना नीचे आओगी? मतलब क्या आपका ससुर? अपने कंगन खुद ही गायब करके इल्जाम घर वालों पर लगा रही हो? इससे नीच और घटिया हरकत और क्या हो सकती है? मैं अपनी ही चीज को चोरी क्यों करूंगी? अगर ये कंगन तुम्हारे अपने होते तो ना चोरी होते ना गायब होते, सब जानती हूं मैं। कंगन तुमने खुद छुपाए और अब मौका मिलते ही वो कंगन अपनी माँ को दे आओगी। माँ जी, आप मेरे खानदानी वकार की इंसल्ट कर रही हैं। भगौड़ी लड़कियों का कोई खानदान नहीं होता। अभी तो तुम्हें इस घर में 8 दिन भी नहीं हुए, तुमने अपना रंग दिखा दिया। रंग आपकी छोटी बहू ने दिखाया है माँ जी, जिसने वो कंगन चोरी किए। खबरदार, अपनी जुबान से तुझे मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं। देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका। माँ जी, माँ जी देख रही हैं आप, ये कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर? दूध की धुली तो तुम भी नहीं हो। मुझे याद है अभी कुछ ही देर पहले तुमने मुझसे किस कदर बदतमीजी से बात की थी, अब फौरन ही मासूम बन गई हो बाल घुमा के। अगर तो इसके कंगन सच में चोरी हुए हैं तो इसका फैसला अभी होगा। शीला, शीला। जी मैडम जी, कंगन मिल गए। माँ जी, आपको एक मुलाजमा पर ज्यादा इत्तबार है? मेरे से ज्यादा इत्तबार है आपको एक मुलाजमा पर? हाँ, क्योंकि जिस वक्त कंगन चोरी हुए ये घर में नहीं थे, और दूसरा ये कि इस घर में सबसे ज्यादा ईमानदार है। ये बहुत सालों से इस घर की खिदमत कर रही है, मेरे सारे जेवर और पैसा खुला पड़ा रहता है, मगर मजाल है आज तक कोई चीज अपनी जगह से हिली भी हो? मैडम जी, एक खुशी की खबर है और एक बुरी खबर है। मुझे ये बताएं कि पहले खुशी की सुनाओ कि बुरी खबर सुनाओ? दोनों एक साथ ही सुना दो। कंगन मिल गए, और बुरी खबर ये है कि कंगन सोनिया बाजी के कमरे से मिले। सोनिया, तुमने?
किया बेटा? तुम तो इस घर की बेटी हो। मम्मी गलती हो गई मुझसे, वो बुशरा आंटी का बेटा ना हमारा मेरा दोस्त है, उसको पैसे चाहिए थे तो मैंने सोचा उसको कंगन दे देती हूँ, उसको गिरवी रखवा कर पैसे दे देगा और उसने वादा किया था कि वो 2 वीक्स में मुझे पैसे वापस कर देगा, तो मैं कंगन वापस कर दूंगी भाभी को। मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी मम्मा। What the hell are you talking about? सुन रही है मामा आप? हमाद को पैसे चाहिए थे, कब से चल रही है सब? बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कब से चल रही है सब? प्लीज प्लीज तारिक, छोटी है सानी से इतना ऊंची आवाज में बात नहीं करते, प्लीज प्लीज। लुक एट यू नाउ, सुबह से तुमने पूरे घर में ढिंढोरा पीटा हुआ है और अब जब तुम्हें चोर मिल गया तो तुम उसकी साइड ले रही हो। मैं अपने शोहर से बात कर रही हूं, तुम बीच में मत आओ, समझी? परेशान नहीं होना, इट्स ओके। कंगन तो मिल गया ना, अब परेशान मत हो, कोई बात नहीं। सॉरी भाभी। अरे सॉरी कैसी भाई, गलतियाँ तो हम सब से होती हैं ना, तुम तो अभी बच्ची हो ना समझो। मुझे देखो, इतनी समझदार होने के बावजूद अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जाकर तुम्हारे भाई से कोर्ट मैरिज कर ली। तारिक, तारिक इसमें सनिया का क्या कसूर? जब इंसान मोहब्बत में होता है ना तो उसको सब कुछ सही तो लग रहा होता है। आपने भी तो अपनी मामा के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की ना, मामा का दिल दुखाया ना आपने। फिर छोटी है, गलती हो गई, इसे माफ कर दे। आपकी लाडली है मुन्नी आपकी, और शिराज को, आपको शिराज के साथ भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, वो भी आपने गलत किया, ये ठीक नहीं हुआ। आज एक कंगन की वजह से रिश्ते इस तरह से आपस में लड़े अच्छा नहीं लगता। आप तो बड़े हैं, इधर आओ शिराज, इधर भाई के पास आओ। I'm sorry भाई। बैठो बैठो भाई के पास। मुझे आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। It's okay। और सनिया का मूड ठीक कौन करेगा? इस क्यूटी का हम भाई करेंगे। ओ अच्छा, और वो कैसे? अभी बताते हैं, अभी चलते। मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, सब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर,
सबसे सारे जीवन के सपने हैं चूर, आँखों में नींद ना मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है।